मुंबई के घाटकोपर इलाके में कल शाम को जो होर्डिंग गिरी थी, उस होर्डिंग के नीचे कई लोग दब गए थे। अभी तक जो खबर है, 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी करीब करीब 40-50 लोग घायल हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता राम कदम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी के साथ उस पेट्रोल पंप पर जहां यह होर्डिंग गिरी थी, उसके मालिक के साथ फोटो और तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट कर हमारी पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि मुंबई में जब कहीं कोई होर्डिंग लगता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की होती है कि होर्डिंग सही है, गलत है, कितने बड़ा है, कितने साइज की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि होर्डिंग की साइज अमूमन 40x40 होती है, लेकिन यह जो होर्डिंग गिरी है इसकी 120x120, इतना बड़ा होर्डिंग खड़ा हो गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया उस पर। जो स्टेट रेलवे पुलिस है उसने परमिशन भी दे दिया, और अभी फरवरी में ही यह होर्डिंग अवैध है ऐसा बीएमसी ने पेट्रोल पंप के मालिक को नोटिस दिया। मतलब कुल मिला जुला कर ये क्या हो रहा है? कार्रवाई किस पर हो रही है? तो छोटे मोटे अधिकारियों पर। अरे भाई, बड़ी मछलियां कब फंसेंगी? बड़ी मछलियों को सजा कब मिलेगी? बीएमसी के जो आयुक्त हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? और रेलवे स्टेट पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? इसको राजनीति से न जोड़िए, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी को सामने मत लाइए। यह पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट और मुंबई महानगर पालिका का पूरी तरह फेलियर है। तीनों इंजन पूरी तरह फेल कर गया है। राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, वो इस समय चुनावी रैलियों में घूम रहे हैं। अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, उनकी पूरी टीम हो, केवल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन बाद मोदी जी की रैली होने वाली है उसी सब इलाकों से। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी बीजेपी और बीजेपी के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आते। लोगों की मदद करनी चाहिए। एनडीआरएफ और प्रशासन के जो बाकी महकमे के पुलिस के लोग हैं, वो लोगों को बचाने में लगे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दी जाए, लेकिन बीजेपी के नेता विधायक राजनीति करके दूसरी पार्टियों को बदनाम करना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है।